हेलो दोस्तों, प्रियंका के रसोई में आपका स्वागत है। आज हम पके पपीते का हलवा बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि कोई भी वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपके तक पहुंच जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम इसे अच्छे तरीके से छील लेते हैं। तो देखिए, हम इसे चारी ओर अच्छे तरीके से छील लिए हैं। अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़े में कट करेंगे। पहले पतले पतले स्लाइस ऐसा काट लेंगे, लंबे लंबे। फिर उसके बाद हम छोटे छोटे टुकड़े में इसे अच्छे तरीके से कट कर लेंगे। तो देखिए, हम सारे पपीते को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिए हैं। तो हलवे में डालने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स निकालने हैं, काजू और बादाम, थोड़ा चीनी 2 चम्मच और 3 छोटी इलायची। चीनी अकॉर्डिंग के अनुसार लेना है। पपीता बहुत ही ज़्यादा मीठा है तो हम 2 चम्मच चीनी लिए हैं। तो चलिए अब बनाने की ओर चलते हैं। 1 चम्मच घी है और हम इसमें पपीता कटा हुआ डालेंगे। अब हम इसे कम फ्लेम में इसे हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसे 2 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे और ड्राई फ्रूट डालेंगे और हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। ये हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है।